सब्सक्राइब करिए आर्यवर्त इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये एकदम फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्त युक्त मूत्रता के बारे में, जिसे इंग्लिश में हेमेटोरिया कहा जाता है। यह एक समस्या है जिसमें व्यक्ति के मूत्र के साथ रक्त की भी कुछ मात्रा देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है और इसके क्या उपचार आप कर सकते हैं घरेलू स्तर पर जो कि कारगर हैं, को बात करूंगा आपके साथ में और आपको बताऊंगा कि आखिर इसके क्या कारण, लक्षण और उपचार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम कारण की बात करें तो अधिकतर यह रोग पथरी के कारण या मूत्र प्रणाली में किसी तरह के संक्रमण के कारण अथवा रक्त स्त्राव के किसी दूसरे कारण से उत्पन्न हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं, इसमें रोगी के रक्त के साथ मिला हुआ मूत्र या कभी कभी केवल रक्त ही मूत्र के रूप में बाहर आता है। इसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं, पके पेठे के रस में मिश्री मिलाकर पीने से रक्तयुक्त मूत्रता में लाभ होता है। कठेली के रस में शहद डालकर पीने से बहुत आराम लगेगा। जीरा और गुड़ टके टके भर दिन प्रतिदिन खाएं तो यह रोग दूर हो जाता है। जावा खार 9 ग्राम गाय के मट्ठे के साथ में पीने से रक्तयुक्त मूत्रता तथा पथरी दोनों में लाभ होता है। इलायची बारीक पीसकर पानी के साथ लेना इस रोग के लिए लाभप्रद है। गोखुर और सौंठ का काढ़ा भी इस रोग में गुणकारी है। कच्चे केले, परवल, करेले, सहजन की फलियां से तैयार सब्जियां इस रोग के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। किसी भी रूप में अनार और आंवले का सेवन करना रोगी के लिए लाभप्रद है। गर्म और मसालेदार भोजन रोगी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है दोस्तों, दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। इस तरह की और जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा।